असल स्टूडेंट्स मैंने नाम है सुफियान काम और आज हम आई सी एस कम्प्यूटर साइंस पार्ट वन के एक नए लेक्चर में मौजूद हैं तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है प्रिंटर्स तो चूँकि हम आउटपुट डिवाइसिस का मेन टॉपिक पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने देखा था कि तीन मेन आउटपुट डिवाइस हैं जिनमें हमारे पास मोनिटर्स थे प्रिंटर्स थे और थे तो स्टूडेंट्स मॉनिटर्स के बारे में हमने पढ़ लिया आज हम प्रिंटर्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर रहे तो प्रिंटर्स के टॉपिक को पेपर से देखा जाए तो चैप्टर नंबर वन में से चूंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है एट मार्क्स का तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो प्रिंटर्स में से आ जाए और उसमें से एक कैसे क्वेश्चन आता है कि कभी इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में पूछ लिया जाता है उनको एक्सप्लेन करना होता है कभी नॉन इंपेक्ट प्रिंटर्स के बारे में पूछ लिया जाता है उनको एक्सप्लेन करना होता है और कुछ रेयर केसेस के अंदर इन दोनों के डिफरेंस पूछ लिया जाता है तो इस लिहाज से आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर वन के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में से एक लॉन्ग क्वेश्चन इन प्रिंटर्स के अंदर से आता है तो स्टूडेंट्स बेसिकली प्रिंटर्स करते क्या है प्रिंटर्स किसी भी डॉक्यूमेंट के इलेक्ट्रॉनिक वर्जन को या जिसे कह सकते हैं हम सॉफ्ट कॉपी को कन्वर्ट करते हैं हार्ड कॉपी के अंदर यानी ये प्रिंटर्स किसी भी टेक्स्ट को इमेज को किसी पेपर के ऊपर प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं इनकी दो मेजर टाइप्स हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट प्रिंटर्स तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन से प्रिंटर्स होते हैं विच फॉर्म करेक्टर मैकेनिज्म यानी ये करेक्टर को कैसे जनरेट करते हैं पेपर के ऊपर यानी ये पेपर के ऊपर कोई चीज स्ट्राइक करते हैं मारते हैं जिसकी वजह से पेपर के ऊपर इमेज क्रिएट होता है सच एज प्रिंटर हैमर और व्हील अगेन्ट्रिप यानी अब वो क्या चीज हो सकती है जो पेपर पे लगती है वो प्रिंटर हैमर हो सकता है या कोई व्हील हो सकता है जिसको इंक रिबन के ऊपर मारा जाता है और इंक रिबन फर्दर पेपर पे मारा जाता है जिससे पेपर के ऊपर इमेज क्रिएट होता है इसको समझने के लिए आपको स्टैम्प के बारे में पता होगा कि एक स्टैंप कैसे पेपर पे लगाई जाती है बाइकिंग द स्टैंप ऑन देपर यानी पेपर के ऊपर हम उस स्टैंप को स्ट्राइक करते हैं मारते हैं तो उसका एक इमेज पेपर के ऊपर बन जाता है इसी मैकेनिज्म को यूज करते हुए हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स काम कर रहे होते हैं तो प्रिंटर है, हमारे पास प्रिंटर हैमर हो सकती है या कोई व्हील हो सकता है जो इंक रिबन के ऊपर मारा जाता है और फिर फर्दर इंक रिबन जब पेपर के ऊपर लगता है तो इंक रिबन के ऊपर से इंक पेपर के ऊपर शिफ्ट हो जाती है और वो इंक कोई ना कोई करेक्टर फॉर्म कर रही होती है कोई इमेज बना रही होती है तो इसी मैकेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास तीन मेजर प्रिंटर्स हैं डॉट मैट्रिक्स डेजीबिल एंड लाइन प्रिंटर्स तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स का मैकेनिज्म कैसे है कि इसके जो प्रिंट हेड है इसके ना बहुत सारी छोटी छोटी पेंस होती हैं वो पेंस स्ट्राइक करती है और एक डॉट क्रिएट करती है यानी कंटेन्स द प्रिंट हैड ऑफ स्मॉल पेन्स विच स्ट्राइक ऑन द इंक रिबन अगेंस्ट द पेपर यानी अगर आप ये वाली फिगर देखें तो यहाँ पे ये एक पिन दिखाई दे रही है ये पिन जब स्ट्राइक करती है इंक रिबन के ऊपर और इंक रिबन फर्दर स्ट्राई करता है पेपर के ऊपर तो एक डॉट क्रिएट होता है फॉर्मिंग करेक्टर्स और इमेजेस प्रिंट हेड आर अवेलेबल विद नाइन एटीन एंड ट्वेंटी फोर पेंस अब यानी ये जो पेन्स है आप ये देखें कि इस इमेज में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन यानी ये जो हमारा प्रिंट हेड है ये नाइन पेन्स वाला है तो ये 18s वाला भी हो सकता है और ट्वेंटी फोर पिन वाला भी हो सकता है तो आप ये देखें कि जितनी ज्यादा पिन होंगी उतनी ज्यादा इसकी ए, इमेज की क्वालिटी या डॉट मैट्रिक्स की क्वालिटी बेहतर होती जाती है तो स्टूडेंट्स अगर तो मैकेनिज्म को गौर से समझना है तो आप ये देखें कि हमारे पास ये हमारा प्रिंट हेड है और इस प्रिंट हेड के आगे हमारे पास एक इंक रिबन है और ये इस रोलर के ऊपर हमारा पेपर रोल हुआ हुआ है अब होता कुछ यूं है कि यहाँ से जब इस प्रिंटर को सिग्नल मिलते हैं तो ये पेन्स स्ट्राइक करती हैं इस रिबन के ऊपर और ये फिर रिबन जो है वो स्ट्राइक करता है पेपर के ऊपर और इमेज क्रिएट होता है अब इसको डॉट मैट्रिक्स क्यों कहा जाता है डॉट मैट्रिक्स इसलिए कहा जाता है मैट्रिक्स कहते हैं किसी भी ऐसी चीज़ को जो रोज और कॉलम्स की सूरत में मौजूद हो तो अब ये देखें कि हमारे पास ये जो करेक्टर्स फॉर्म हो रहे हैं ये डॉट्स का मैट्रिक्स बना रहे हैं यानी डॉट्स की मदद से रोज और कॉलम्स को क्रिएट किया जा रहा है जिसकी बेसिस के ऊपर हमारे पास करेक्टर जनरेट हो रहा है इसीलिए इसको हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास डेजी व्हील प्रिंटर। अब डेजी व्हील प्रिंटर के अंदर एक व्हील का इस्तेमाल होता है और उस व्हील के ऊपर पैटल्स लगी होती है पेटल्स कहते हैं पत्तियों को तो जिस तरीके से एक फूल के ऊपर पत्तियां लगी होती हैं इसी तरीके से इस व्हील के ऊपर डेजी व्हील के ऊपर पत्तियां लगी होती हैं और हर पत्ती के एंड के ऊपर एक करेक्टर लगा होता है जब ये व्हील से हमने कुछ करेक्टर को फॉर्म करना होता है तो हमारा ये व्हील रोटेट करता है और रोटेट करके हमारे एक स्पेसिफिक करेक्टर को जिसको हमने प्रिंट करना होता है उसको प्रिंटिंग पोजीशन के ऊपर लेकर आता है और फिर उसके ऊपर उसके बैक से एक हैमर स्ट्राइक करती है और वो करेक्टर जो कि एक पैटल के ऊपर बना होता है वो पेपर पे स्ट्राइक करता है और इमेज क्रिएट होता है तो अगर आप इस इमेज को गौर से देखें तो हमारे पास ये डेजी व्हील प्रिंटर का डेजी व्हील है और इस व्हील के ऊपर ये जो बॉक्स बने हुए हैं, ये बेसिकली हमारे करेक्टर हैं। तो इस पूरे व्हील के ऊपर सब जगह पे करेक्टर लगे होते हैं और ये व्हील क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होता है अब कोई भी प्रिंट कोई भी क्रैक्टर हमने जब प्रिंट करना है वो प्रिंट पोजीशन पे आएगा तो उसके बैक से अब ये देखें कि हैमर स्ट्राइक करती है और फिर वो क्रैक्टर हैमर स्ट्राइक करने के बाद करेक्टर स्ट्राइक करता है रिबन के ऊपर और रिबन फर्दर स्ट्राइक करता है हमारे पेपर के ऊपर तो इस मैकेनिज्म को इस्तेमाल करके हमारे डेजी व्हील प्रिंटर्स वर्किंग कर रहे होते हैं और ये हमने एक डेजी व्हील की इमेज लगाई हुई है दिस प्रिंटर द शेप ऑफ पेटल ऑन अ पेटल व्हील करेक्टर एट द एंड ऑफ इच पैटल तो ये देखे ये हमारे पास व्हील है और इसके पैटल्स के ऊपर हर एक ऑपरेंट पे एक करेक्टर लगा हुआ अ करेक्टर कम्स इन द प्रिंट पोजिशन बाय व्हील रोटेशन एंड द इमेज इज फॉर्म बाय है ठीक है तो ये व्हील स्ट्राइक जो है वो रोटेट करता है और हमारा डिजायर्ड करेक्टर जब हमारी प्रिंट पोजीशन के ऊपर आता है तो उसकी बैक से जो है वो हैमर उसके ऊपर स्ट्राइक करती है अब ये जो डेजी व्हील प्रिंटर है ये स्लोअर है डॉट के की नस्बत लेकिन बेटर प्रिंट क्वालिटी देता है डॉट मैट्रिक्स की नस्बत यानी अगर आप डेजी व्हील को डॉट मैट्रिक्स से कंपेयर करें तो हमारे डेजी व्हील प्रिंटर जो है वो स्लोअर हैं लेकिन क्वालिटी अच्छी देते हैं जबकि हमारे जो डॉट मैट्रिक्स हैं वो फास्टर हैं लेकिन उनकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं होती यानी प्रिंट की क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं होती तो स्टूडेंट्स आज का लास्ट टॉपिक है लाइन प्रिंटर्स अब लाइन प्रिंटर्स नॉर्मली यूज किए जाते हैं मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर्स के साथ तो स्टूडेंट्स अब इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से है कि इसके अंदर एक चेन होती है जैसे कि इमेज में हमें दिखा रहे हैं कि एक चेन होती है जिसके ऊपर करैक्टर बने होते हैं और वो करैक्टर फर्दर रिबन के ऊपर स्ट्राइक कर रहे होते हैं और रिबन फर्दर पेपर के ऊपर स्ट्राइक कर रहा होता है और इस तरीके से हमारे पास इमेज क्रिएट हो रहा होता है यहाँ पे हमारे पास ये रहमर है ये इसका पेपर लगा हुआ है ये इंक रिबन है और ये चेन है जिसके ऊपर डिफरेंट बने हुए हैं। अब इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि ये पूरी की पूरी लाइन को एट अ टाइम प्रिंट करने के काबिल होती है यानी डॉट मैट्रिक्स और डिजिबिल प्रिंटर्स देखे हैं उनके अंदर एट अ टाइम एक करेक्टर प्रिंट हो रहा होता जबकि इसके बारे में वो क्या बताता है कि प्रिंट द होल लाइन ऑफ करेक्टर एट अ टाइम एट वंस यानी एक ही वक्त में पूरी लाइन प्रिंट कर रहा होता है जिसके वजह से ये उन दोनों के नस्बत फास्ट है सम ऑफ देम कैन प्रोड्यूस थ्री थाउजेंड लाइन्स पर मिनट यानी ये इतने फास्ट होते हैं कि थ्री थाउजेंड लाइन्स एक मिनट के अंदर प्रोड्यूस करने के काबिल हो सकते हैं इनकी बेसिकली दो टाइप्स हैं जिनके अंदर चेन प्रिंटर्स आते हैं और बैंड प्रिंटर्स आते हैं तो ये एक चेन प्रिंटर की एग्जाम्पल या मैकेनिज्म दिखाया हुआ इसी तरीके से हमारे पास बैंड प्रिंटर्स भी वर्किंग कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स अब इम्पैक्ट प्रिंटर्स को का एनालिसिस करें तो तमाम के तमाम इम्पैक्ट प्रिंटर्स एक तो लाउड होते हैं यानी जब ये प्रिंट क्रिएट करते हैं तो शोर करते हैं उसकी वजह ये है कि इनके अंदर स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म है, तो जब हैमर स्ट्राइक करेगी तो ऑब्वियसली शोर तो क्रिएट होगा तो इसीलिए ये लाउड होते हैं शोर इनके अंदर ज्यादा होता है Students, दूसरा इनके अंदर ड्रॉबैक ये है कि जिस स्पेसिफिक स्टाइल का या जिस स्पेसिफिक फॉन्ट का करेक्टर इसके अंदर बना होता है ये वही करेक्टर आगे प्रोड्यूस करने के काबिल होता है यानी ये डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के करेक्टर्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाते फ्रेंड्स थर्ड इनके ड्रॉबैक या डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी की आउटपुट uh, हमें प्रोवाइड नहीं करते बहुत अच्छी क्वालिटी का करेक्टर फॉर्म नहीं करते प्रिंट क्रिएट नहीं कर पाते अदर हैंड स्टूडेंट्स अगर इनके एडवांटेज़ की तरफ जाएं, तो हमारे जितने इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं वो लो कॉस्ट प्रिंटर्स होते हैं यानी एक तो प्रिंटर भी सस्ता होता है दूसरा इसके प्रिंट की जो कॉस्ट आती है पर प्रिंट जो कॉस्ट आती है वो नग्लिजिबल होती है यानी बहुत कम होती है तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं और इन नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन बैक प्रिंटर्स के बारे में पढ़ेंगे थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स अपना और अपने इर्द वालों का ख्याल रखिएगा और मेरा यानी सुफियान इक्राम का सलाम भी पहुँचाएगा अल्लाह हाफिज़